हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हम आज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजीसी टॉपिक देख रहे हैं, ठीक है ना। सो इन प्रीवियस सम सेशंस ना, वी हैव डन विद सम क्वेश्चंस ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। सो ये आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कंसेप्ट को यूज करने वाला चैप्टर है। इसमें बहुत सारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कंसेप्ट यूज किए जाते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, कुछ चीजें रिवाइज करेंगे जो हमने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में पहले भी देखी है ना, या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जिस क्वेश्चंस में रेफरेंस आता है, ठीक है ना। आपको मैंने प्रीवियस कुछ सेशंस में ये बताया है कि सोचो, तो अगर आपके क्वेश्चन में वैल्यूज मेंशन की है ना, जो भी वैल्यूज हो एजेस से रिलेटेड उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट में आपको कुछ ओरिजिनल वैल्यू या फिर रेशियो दिया जाता है ना। और कभी कभी वो क्या करता है, कुछ आगे वाली इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब फ्यूचर जो होता है उसके बारे में कुछ कहते हैं। कुछ वैल्यूज जो है वो पास्ट वाली वैल्यूज होती है। लाइक अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एक पर्सन है जिसका नाम है ए, और आज उसका एज जो है वो 23 ईयर्स है, ठीक है ना। चलो मैं एज बदल देता हूँ, लाइक 23 नहीं, अब हम कंसिडर करते हैं 25, ठीक है। कोई पर्सन है ए जिसका आज एज है 25 ईयर्स। सो मैं अगर आपको पूछता हूँ कि बताइए 5 साल बाद इस पर्सन का एज कितना होगा, तो सिंपली आप क्या करोगे कि आज अगर वो 25 साल का है, 5 साल उसमें ऐड करोगे, उसका 5 साल बाद एज 30 ईयर्स हो जाएगा, सही है ना। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा उल्टा पूछता हूँ कि आज अगर उस पर्सन का एज 25 है, तो मुझे है ना 3 साल पहले वाला उसका एज बताओ, आप क्या करोगे, यहाँ पे -3 करोगे 25 में से, ठीक है। और वो पर्सन जो है 3 साल पहले 23 ईयर्स का था, कितना ईजी है फाइंड आउट करना, है ना। So, ऐसे कुछ आपके क्वेश्चंस में वैल्यूज दी जाती है। जैसे मैंने इस 25 को आपको वैल्यू दी है ना 25 ईयर्स, इसके जगह पे 2% का रेशियो हो सकता है, 3% का रेशियो हो सकता है, कुछ भी, जब वो वैल्यूज देते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे दिक्कत कब होती है ना? देखो ये सेम रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ, है ना। और आपको तो अगर कहा जाता है कि एक पर्सन है ए और उसका ना 3 साल पहले वाला है ना 3 ईयर्स एगो जो है, उस पर्सन का एज अगर 25 ईयर्स होता है, ठीक है ना। मैं सेम वैल्यू रख रहा हूँ कि 3 साल पहले उस पर्सन का एज 25 है, तो बताइए 5 ईयर्स आफ्टर उस पर्सन का एज कितना होने वाला है। यहाँ पे हमारी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ का हमें एज फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अगर वो 3 साल पहले 25 साल का था, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि वो आज कितने साल का है। तो आप क्या करोगे, 25 में 3 ऐड करोगे, मतलब आज वो 28 साल का हो जाएगा, सही है ना, 28। लेकिन मैंने आपको पूछा क्या है कि 5 इयर्स आफ्टर उसका एज कितना है, तो मैं जो 28 निकाला है उसमें और 5 ऐड कर दूंगा, मतलब आज वो पर्सन जो है वो 30, मतलब 5 साल बाद जो है उस पर्सन का एज हो जाएगा 33 इयर्स, 28 में 5 ऐड करके। देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है अलग अलग सेंस में इन एजेस को शिफ्ट करने का, ये आपको आराम से समझ में आना चाहिए। दिक्कत तो होती है ना, देखो ये फर्स्ट वाला जो मैंने मेंशन किया है ये तो इजी है समझना भी और सॉल्व करना भी, है ना। ये सेकंड वाला जो रिप्रेजेंटेशन है नीचे वाला, इसमें इशू क्या होता है कि पास्ट और फ्यूचर में, या फिर फ्यूचर का वैल्यू दिया है और पास्ट में आपको कुछ सोचना है, तो इस प्रेजेंट को हमेशा कंसिडर करना होता है, ठीक है। ये आपको कहीं भी नहीं दिया होगा, तो ये थोड़ा सा संभल के करना है। देखो अगर मैं 25 में डायरेक्टली +3 और +5, मतलब 25 में डायरेक्टली 8 ऐड करता ना, तो मुझे 33 डायरेक्ट मिल जाता। तो आपको ये समझना है कि ये 8 कब ऐड करना है, 3 कब ऐड करना है, 5 कब ऐड करना है। ये चीज अगर आप अच्छे से समझ गए, आराम से आपका कैलकुलेशन जो है वो हो जाता है, ठीक है ना। ये भी पहली चीज, जब आपको रेशियो दिए जाते हैं, एक तो आपको सबसे पहले रेशियो डायरेक्टली दिया जाएगा कि ए और बी का रेशियो 2:3 है एज का, ठीक है। आपको सेकंड में ये कहा जाएगा कि एज एज जो है वो 3 टाइम्स है बी से, है ना, ऐसा कहा जाएगा। तो आप जो है ए और बी का रेशियो जो है, बी की वैल्यू 1 पकड़ना है, ए की वैल्यू 3 कर देना है, 3:1 आ जाएगा। फिर आपको ये भी कह सकते हैं कि एज एज जो है इज 2/7 ऑफ बीज एज। ये सारे एग्जांपल्स हैं, नंबर्स बदल सकते हैं। आपको क्या करना है, जब ए का एज बी से 2/7 टाइम्स कहा जाता है, ठीक है ना। देखो टाइम्स के बारे में जब बात करते हैं वो लाइक दिस तरह से, टाइम्स कहा है यहाँ पे भी 2/7 टाइम्स ही होता है, ठीक है ना। सो जब टाइम्स में कहा जाता है तो किसी का एज आपको 1 कंसिडर करना पड़ता है, तो यहाँ पे भी आप बी का एज जो है वो 1 कंसिडर करो, ठीक है। और ये 1 कंसिडर करने के बाद ए जो है 1 का 2/7 है, मतलब 2/7 है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूँ तो यहाँ पे बी क्या जो ये वन है ना, वन के नीचे तो वन होता ही है, टू इंटू वन जो है यहाँ पे आपको टू लिखना है एंड वन इंटू सेवन जो है यहाँ पे सेवन लिखना है. तो ये 3:1, 2:7, 2:3 ये रेशियो मिलने के बाद फिर आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो. वो आपको क्वेश्चन में इस तरह से भी कह सकते हैं कि एज एज इज से 40% ऑफ बीज एज, ऐसा भी कहेंगे. तो फिर जब परसेंटेज में कंपैरिजन दिया होता है ना, वैल्यू 100 के मल्टीपल में कंसिडर करना, वन नहीं कंसिडर करना है. वन करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको जो है कैलकुलेशन में थोड़े से फ्रैक्शन कुछ डेसिमल पॉइंट्स मिल सकते हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि बी का 100 पकड़ो, ए उसका 40% है, 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है. तो आपको इसको कैंसिल करने के बाद 2:5 जो है वो रेशियो मिल जाता है. देखा आपको इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन कैसे मिलेगा कि एज एज इज 40% मोर देन बी, ऐसा भी उठाएंगे, ठीक है ना. तो फिर यहाँ पे फिर से परसेंटेज में पूछा है, लेकिन देखो यहाँ पे 40% मोर है, यहाँ पे सिर्फ 40% था, ये दोनों में डिफरेंस है. तो बी अगर का अगर मैं 100 कंसिडर करता हूं तो ए जो है 40% ज्यादा है बी से, मतलब बी का 100 तो है ही, उससे 40% ज्यादा, मतलब 140 है. फिर इसको कैंसिल करके आप 20 से डिवाइड करके 7:5 जो है आपका रेशियो आ जाता है, और फिर आप कैलकुलेशन में उसको आगे यूज करोगे. देखो रेशियो मिलने के बाद आप इन कैलकुलेशन को आगे बढ़ा सकते हो, जो भी कंडीशन कही है, ठीक है. अब देखो कंडीशन जो है उनमें क्या कहा जाएगा, एक एग्जाम्पल वही टिपिकल वन, ए और बी का रेशियो 2:3 है, तो सबसे पहले वो क्या कहेंगे आपको कि ए एंड बी का सम जो है वो कुछ 50 इयर्स है, ऐसा कहेंगे, ठीक है ना. तो फिर बताओ ए और बी का एज कितना है, आपको क्या करना है, ये 2 और 3 को ऐड करना है, ठीक है. कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, लेकिन सम कितनी दी है, 50 दी है. तो 5 की वैल्यू अगर 50 है तो 1 की कितनी, 50 डिवाइडेड बाय 5 करना आपको, मतलब ये 10 आ जाता है. आपको जिसका भी एज पूछा होगा, लाइक अगर ए का पूछा है तो ए का ये जो 2 है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 उसका एज मिल जाएगा, और बी का ये जो 3 है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, इसका 30 मिल जाएगा, ये आपके आंसर होंगे, ठीक है. कभी कभी ये कहा जाएगा कि ए एंड बी का एज का जो डिफरेंस है ना वो कितना है, तो वो कह सकते हैं कि 25 ईयर्स ये डिफरेंस है, ऐसा कहेंगे. आपको क्या करना है, वैसे ही लिखना है, देखो ए और बी का रेशियो लिखना है यहाँ पे 2:3, डिफरेंस दिया है ना 2 और 3 का, तो डिफरेंस कितना है इसका, 1 है, लेकिन 1 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी दी है, 25 दी है, तो यहाँ पे 25 लिख सकते हो, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आपका 25 हो गया. फिर अगर मैं आपको बी का एज पूछूं तो बस इस 25 से 3 को मल्टीप्लाई करो तो 75 आ जाएगा, और ए का एज इसी 25 से मल्टीप्लाई करके 50 आ जाएगा. देखा आपने, इतना ईजी है बेसिक समझना प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस का. अब ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, ये ना डिफरेंस ये वर्ड हमेशा यूज नहीं करते, उसके अलावा क्या यूज करते हैं, मोर देन, ठीक है ना, लेस देन, या फिर ये कहेंगे कि यंगर, यंगर देन, ठीक है, ओल्डर देन, ऐसा कुछ वर्ड्स जो है वो यूज करेंगे इसमें, ठीक है. तो जब वो ये वर्ड्स यूज करेंगे, मोर देन, लेस देन, यंगर देन, ओल्डर देन, सो वो जो होगा वो डिफरेंस होगा, जो भी चीज दी होगी, अगर एज दिया है तो एज, स्पीड दिया है तो स्पीड, है ना. इस तरह के वर्ड्स आपको अलग अलग चैप्टर्स में भी नोटिस होते हैं, लाइक अगर हम टाइम स्पीड डिस्टेंस करते हैं तो वहां पे भी होता है कि ट्रेन वन का स्पीड जो है इट इज मोर देन ट्रेन टू का स्पीड, तो मोर देन मतलब वो स्पीड का डिफरेंस है, है ना. देन टाइम कंज्यूम बाय ट्रेन ए इज लेस देन ट्रेन टू, तो मतलब वो टाइम का डिफरेंस दिया है, ठीक है. यंगर ओल्डर ये स्पेसिफिकली एजेस के साथ यूज किए जाने वाले वर्ड्स है, तो इनमें से अगर कोई भी वर्ड्स दिया जाता है तो वहां पे थोड़ा सा ना डिफरेंस के बारे में सबसे पहले सोचो आप, इस तरह से वो वैल्यू दे रहे हैं. अब ये सम और डिफरेंस से मैंने सिर्फ आपको टाइप्स बताए हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कभी वो आपको किसी का एवरेज देंगे, है ना, किसी का दो दो अलग अलग लोगों का डिफरेंस बताएंगे, अलग अलग चीजें वो आपको बता सकते हैं. सो जो भी कंडीशन दी है ना, यू कैन जैसे कि वो कहते हैं कि प्रोडक्ट है ना, ए और बी के एज का प्रोडक्ट जो है वो इतना इतना, तो 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट कितना होगा, 6 होगा, लेकिन उसके साथ ना एक वेरिएबल जोड़ना पड़ता है आपको 6x2, और फिर स्क्वायर लेते हो तो फिर आपका आंसर आता है. सो ये कुछ बेसिक्स हुए, है ना, ये एक्चुअल में बेसिक आपके क्या कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम देखते हैं, देख चुके भी है, ठीक है ना. सो इनके लॉजिक्स को यूज किया जाता है मोस्टली प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में. एजेस के जो क्वेश्चन है इनमें एक तो ये लॉजिक यूज होता है, या फिर आप कह सकते हो कि इसके साथ साथ एवरेज का लॉजिक भी आता है ना. आपको फैमिली दी जाती है आपके क्वेश्चंस में, फैमिली का एवरेज इतना इतना है, ऐसे कुछ कहा जाएगा. सो अलग अलग डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा जाता है,
क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे, एक चीज याद रखो, दो टाइप में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो ए और बी का ये जो रेशियो मिल जाता है आपको 2:3, ये सेम समय का होता है, तो इसको आप 2x3 कंसिडर कर सकते हैं। कभी कभी वो होता है ना कि वो आपको कहेंगे कि रेशियो ऑफ एज एज 4 years back टू बीज एज 4 years after इज 2:3 ऐसा कहेंगे, तो ये ना आप इसको 2x 3x नहीं ले सकते। यहाँ पे दिक्कत क्या है, ए का एज जो यहाँ पे मेंशन किया है उन्होंने वो 4 साल पहले वाला है और बी का कितना है 4 साल बाद वाला, तो ये एक समय वाला जो है वहां पे नहीं है, आपको उसको एक समय में लाना पड़ेगा और फिर 2:3 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल पकड़ा है, यहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स कंसिडर किए तो थोड़ा सा इजी हो जाता है एक्स एंड वाई में, ठीक है ना, वो तो हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे ही। सो एज सच अगर आप कैटेगराइजेशन करना चाहते हो तो फर्स्ट और सेकंड जो टाइप है इसमें कैटेगराइज करिए क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि जो फर्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन है ये रेशियो टू बेसिक लॉजिक को यूज करके आराम से सॉल्व हो जाएंगे, और जो सेकंड वाला है ना वो थोड़ा सा सेम ही रेशियो की लॉजिक यूज करता है, बट वहां पे थोड़ा सा अलग तरीके से आप उसको अटेम्प्ट करोगे, समझ रहे हो। देखो एजेस में कोई भी एग्जाम हो आपकी, ठीक है ना, एग्जाम्स में एजेस के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। सो जब ये क्वेश्चन आता है अटेम्प्ट करना भी इजी होता है, अगर प्रीलिम्स में आता है तो वो तो आपको अटेम्प्ट करना ही है, बहुत इजी रहेगा, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू इन क्वेश्चंस ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने क्विकली रिवाइज किए हैं, सो मे बी ऐसा होगा कि 30-50-60% किसी को ना ये एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे, कुछ 10-20-30-40% जो है ना इसका एप्लीकेशन के थ्रू आपको बाकी बचा हुआ समझ में आएगा, ठीक है। एप्लीकेशन के लिए वी हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चंस फर्स्ट, है ना, क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले पहला क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है हमें, ठीक है। मैं आपको समय भी दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम प्रीवियस सेशंस में इसके कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। देखो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स है ए और बी, नाम कंसिडर करिए उनका, और उनका रेशियो जो है वो 3:2 है, वन इज ओल्डर टू अदर बाय 5 years। देखो मैंने कहा था ओल्डर यंगर इस तरह से वर्ड्स दिए जाते हैं, है ना, और आगे जो है नंबर दिया जाता है कुछ, तो देखो ओल्डर देन अदर बाय 5 years, तो एक जो है वो दूसरे से 5 साल बड़ा है, so, 5 साल बड़ा है मतलब उन दोनों के एज में डिफरेंस 5 साल है। वॉट इज द एज ऑफ यंगर स्टूडेंट, रेशियो से हमें पता चलता है कौन यंगर है, जिसका रेशियो का टर्म छोटा वो यंगर छोटा है, और जिसका रेशियो का टर्म बड़ा वो ओल्डर है बड़ा है। So, मैं थोड़ा सा समय देता हूं इसको सॉल्व करने के लिए, ऑल ऑफ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली एंड आंसर मुझे बताना है, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व करिए, देखते हैं आप किस तरह से आंसर सॉल्व करते हो और मुझे बताते हो, ठीक है। चलो
ओके चलो आई होप सारे लोगों ने इसका आंसर कैलकुलेट किया होगा। इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखो मैं जो दो स्टूडेंट है ना इनके नाम मैं यहाँ पे कुछ कंसिडर कर लेता हूँ कि ए और बी दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो पहला स्टूडेंट का नाम मैं ए लेता हूँ यहाँ पे, दूसरे का बी लेता हूँ। अब ये रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू स्टूडेंट्स 3:2 दिया है। हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि 3x पहले स्टूडेंट का एज हो सकता है और बी जो है उसका एज है 2x, ठीक है। वन इज ओल्डर टू अदर बाय 5 years, ये कंडीशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इन दोनों के एज का डिफरेंस जो है वो 5 साल आना चाहिए, ठीक है ना। तो 3x और 2x का डिफरेंस लेता हूँ तो वो तो x आ रहा है। मतलब x की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, 5 मिल रही है। बस ये x की वैल्यू मिल जाती है ना, आपका आंसर इजीली हो जाएगा। देखो जिस तरह से मैंने सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, आप इसको अगर करना चाहते हो विदाउट कंसिडरिंग एक्स फैक्टर तो आप ये 3:2 डायरेक्ट कंसिडर करिए। इसका डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस कितना है 1, और 1 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 5 है। देखो यहाँ पे भी आपको जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है वो 5 ही दिखेगा, और एग्जाम्पल में सेम नहीं होता है जो आपका फैक्टर है उसका, वो मल्टीपल वगैरह हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों की वैल्यू 5 आ गई, आप जो चाहिए वो फाइंड आउट कर सकते हो। यंगर कौन है देखो, ए और बी का, यहाँ पे 3x है यहाँ पे 2x, 2x वाला छोटे उम्र का होगा, यंगर होगा। सो बी जो है वो हमारा यंगर पर्सन है, और उसका 2x जो है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, 2 × 5 ये आ जाएगा 10 years, ठीक है। यहाँ पे भी देखो बी आपका यंगर है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 ही आंसर आएगा। सो यू कैन ऑप्ट फॉर आइदर मेथड, ठीक है, जिस भी तरीके से सॉल्व करना चाहते हो दैट इज फाइन। एक बेसिक क्वेश्चन है जिससे आपको पता चलता है कि लॉजिक्स किस तरह से दिए जाते हैं और किस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। जब क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन फिनिश हो जाए यू कैन टेक स्क्रीनशॉट क्विकली, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया करिए। सो मैं आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा अब तक। जब मैं आंसर मार्क करूँ ना तभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट इट विल बी बेटर फॉर यू। चलो तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, किस तरह से हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। सी क्या करें इस क्वेश्चन में हमें, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर्स इज 1:2 एंड 5 years बैक द रेशियो वॉज 1:3। What will be the ratio of their age after 5 years? 5 साल बाद ये जो दोनों ब्रदर्स हैं उनका रेशियो कितना होगा? तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, देखता हूँ आपको जिन लोग प्रीवियस सेशंस में जिन्होंने ये क्वेश्चंस किए हैं इस टाइप के वो क्या आंसर देते हैं, किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन, ठीक है, थोड़ी देर के बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए सॉल्व करिए, जल्दी से आंसर कैलकुलेट करिए।
चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये जो टू ब्रदर्स है ना, इनके नाम भी मैं ए और बी कंसीडर करता हूँ, सो दैट मुझे सॉल्व करते हुए जो है थोड़ा सा इजी होगा। तो पहले ब्रदर का नाम ए है, दूसरे ब्रदर का नाम बी है। देखो क्या कह रहे हैं कि उनका प्रेजेंट एज, यहाँ पे मैं ये मेंशन करता हूँ कि प्रेजेंट में ए का एज कितना है, वन है, मतलब वन एक्स मैं कंसिडर करता हूँ, तो एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। और बी जो है उतना एज, उसका एज कितना है, टू एक्स कंसिडर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 5 years back, 5 साल पहले रेशियो 1:3 था। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, कि ऐसा लिखना पड़ेगा 5 years ago या फिर 5 years back जो है इनके एजेस कितने हैं वो देखते हैं। आज अगर कोई पर्सन एक्स उम्र का होता है तो 5 साल पहले वो कितना होता है, x-5 इतने साल का होता है। और आज अगर कोई 2x इतने उम्र का पर्सन होता है तो 5 साल पहले वो 2x-5 इतने उम्र का होता है, ठीक है। और ये 5 साल बाद वाला एज मिलने के बाद उसका रेशियो 1:3 है, मतलब अभी हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व करने का समय आ गया है। तो यहाँ पे पहले मैं ए पर्सन डिवाइडेड बाई बी पर्सन लिखता हूँ। ए का एज 5 साल पहले कितना था, तो x-5 था, ठीक है। और बी का कितना था, 2x-5 था, और इसका रेशियो कितना है, 1:3 है। बस अभी आपकी स्टेप कौन सी आती है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की। देखो यहाँ पे इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है x-5 को, और 1 से मल्टीप्लाई करना है 2x-5 को। तो इस 3 से अंदर में अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, 3x आ जाता है, -5 3 15 आ जाता है, ठीक है। 1 into 2x जो है वो 2x हो जाता है, -1 into -5 5 हो जाता है। तो ये 2x को इस साइड लेके आओ, ये माइनस हो जाएगा, 15 को इस साइड लेके जाओ, ये प्लस हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में आपका आता है 3x-2x = 15-5। तो ये कितना हो जाएगा, x = 15-5 = 10। देखो x की वैल्यू 10 आ गई, अब जो चाहिए वो कैलकुलेट कर सकते हो। उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 years, 5 साल बाद उनके एज कितने होने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये प्रेजेंट के एज अगर आपको मिल जाते हैं, देखो ए और बी का मैं प्रेजेंट का एज यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कितना है ए और बी का। तो ए का ये प्रेजेंट दिख रहा है आपको एक्स, मतलब डायरेक्ट 10 लिखना है, और बी का कितना है, 2x है, मतलब 2 into 10 20 हो जाएगा। अब ये उनके आज के एजेस, लेकिन उन्होंने रेशियो कब का पूछा है, 5 साल बाद वाला, आफ्टर 5 years। सो ए 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 5 साल से बड़ा हो जाएगा, और बी भी 5 साल से बड़ा हो जाएगा। सो ए का एज कितना मिलेगा मुझे, 15 मिलेगा, और बी का कितना मिलेगा मुझे, 25 मिलेगा। सो 15:25 आपका आंसर होगा। बस इसको ना तो रिड्यूस करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड होता है ना, 15 और 25, तो 5 3 15 एंड 5 5 25। देखो 3:5 आंसर आ गया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, देखो इसको आप एक अलग वे से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अलग वे आपका कौन सा है मैं बताता हूँ आपको। अलग वे जो है उसमें ये होता है कि आपको जो एक रेशियो है, अगर वो बदल के कोई दूसरा रेशियो बन जाता है कुछ सालों बाद, कुछ सालों पहले, आपको इस टाइप के मेथड्स में, आप इस टाइप के क्वेश्चंस में इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस मेथड पर, ठीक है ना। देखो कैसे होगा ये, यहाँ पे आपको ये करना है कि सबसे पहले ये दो पर्सन जो है उनका पहला रेशियो कितना दिया है वो लिखना है, ठीक है। उसके नीचे दूसरा रेशियो भी लिखना है, 1:3, ठीक है। अब क्या करना है, अब लेना है इसका डिफरेंस। आपको 1 और 1 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 का आ रहा है, और 2 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन ये डिफरेंसेस सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर ये सेम नहीं है तो आपको सेम करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे सेम करोगे आप, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको। इसको सेम करने के लिए आपके पास एक वे है कि 1 और 3, ये जो नीचे वाला रेशियो है ना, उसका डिफरेंस नीचे कितना होता है, 2 होता है। उस 2 से ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले दोनों टर्म्स को, और पहले वाले जो टर्म्स है 1 और 2, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, तो उससे मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले टर्म्स को। अब आपको क्या करना है, ये जो मल्टीप्लीकेशन से आपके नए टर्म्स आएंगे वो लिखना है। 1 into 2 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। 1 into 1 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। 2 into 2 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। और 3 into 1 कितना हो जाता है, 3। अब जरा डिफरेंस लेके देखो, 2 और 1 में डिफरेंस 1 का आ रहा है, 4 और 3 का डिफरेंस 1 आ रहा है, डिफरेंस सेम हो गया। देखो कभी कभी रेशियो दिए जाते हैं ना, डिफरेंस ऑलरेडी सेम होता है, तो अगर वो ऑलरेडी सेम होता है तो ये स्टेप आपको अवॉइड करनी है, ये स्टेप नहीं सॉल्व करनी, ठीक है। और अगर वो डिफरेंस सेम नहीं होता है तो आपको मैंने अभी बताया है कि डिफरेंस को सेम कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, 1 और 3 का डिफरेंस लेते हैं, ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और ऊपर वाली टर्म्स का डिफरेंस लेके नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। अब आपको ये करना है कि जो पुराने रेशियोज है इनको अभी हम कंसिडर नहीं करेंगे, छोड़ देंगे अभी हम, अगर रेशियो के जो भी टर्म्स है उसकी जरूरत पड़े तो ये ऊपर वाले जो सर्कल वाली वैल्यूज है वो अभी हमारे नए रेशियोज है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। देखो
तो ये 5 साल बाद है, देखो ये रेशियो जो है आपका पहला वाला ये प्रेजेंट का था, सही है ना, और ये जो सेकंड वाला रेशियो है ये 5 ईयर्स बैक था, मतलब 5 साल पहले था। तो इस पूरे गैप में 5 साल का डिफरेंस होना चाहिए, सही है, लेकिन वो तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, मतलब इस 1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना मिलेगा मुझे, 5 का मिलेगा। देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 आई है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 5 मिला है। तो ये कब होगा, जब आप इसको इक्वेट करोगे, ठीक है ना। सेम तरीके से अगर आ जाता है, डायरेक्ट डिफरेंस आ जाता है, तो ये 10 को 10 मैच करता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है ना। अब 1 की वैल्यू अगर 5 आ गई है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर भी 5 हो गया है। तो देखो यहाँ पे अगर उन्होंने ए और बी के एज को 5 साल बाद कितना होगा ये कैलकुलेट करने के लिए कहा है, देखो प्रेजेंट में ए का एज कितना दिख रहा है मुझे, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, मतलब इस 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, और बी का कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो 4 को भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 20, सही है ना। अब 5 साल बाद वाला पूछा है, मतलब मैं इसमें और 5 ऐड करूंगा, इसमें 5 और ऐड करूंगा, ये हो जाएगा 15:25, ठीक है, मतलब इसको कैंसिल करने के बाद ये भी 3:5 ही बनेगा, सेम आंसर दिलाएगा आपको जो आपको पहले मेथड से मिला है, ठीक है ना। दोनों मेथड में डिफरेंस जरा ऑब्जर्व करिए, ठीक है, ये आपकी पहली मेथड है, ये आपकी सेकंड मेथड है, आप आइदर मेथड यूज कर सकते हो सॉल्व दिस क्वेश्चन। डिफरेंस मैंने बताया है कि पहले इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेंदी हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में अगर नंबर्स बड़े आते हैं तो, ठीक है, अभी छोटे छोटे नंबर है इसलिए आपको इजी लग रहा होगा। और सेकंड मेथड में क्या है, कैलकुलेशन थोड़े से कम है, बट ट्रिकी पार्ट थोड़ा सा है इसमें, है ना, डिफरेंस सेम नहीं आता तो सेम करना पड़ेगा, कैसे सेम करना है उसको थोड़ा सा मेंशन करके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो यू कैन यूज आइदर मेथड। मैं अभी क्या करता हूँ, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ, सब लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइदर मेथड आप बेसिक मैथ्स के लॉजिक से सॉल्व करते हो, देखो मेथड्स अलग अलग होती है क्वेश्चंस में, है ना। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ना प्रीवियस क्वेश्चन फिर से एक बार डिस्प्ले करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड, क्योंकि हम उसको भी यूज करके नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे, है ना, चेंज अगर किस तरह से होता है, क्या करना होता है, ठीक है। चलो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 100 ईयर्स नाउ, एक फादर है और उसका सन है, उन दोनों के एज की सम आज की 100 है, 5 ईयर्स अगो देयर एज वेयर इन द रेशियो 2:1, 5 साल पहले उनके एज का रेशियो 2:1 था, द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 10 ईयर्स विल बी, तो 10 साल बाद उस फादर और सन के एज में जो रेशियो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से इसको ट्राई करिए, मुझे आंसर बताइए क्विकली, ठीक है, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों ने इसको कैलकुलेट किया है, ठीक है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सम ऑफ एज ऑफ फादर
एंड सन 100 ईयर्स नाउ कहा है, याद रखो अब का अगर दिया है तो अब का ही कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास रेशियो है वो 5 साल पहले वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ कि लाइक फादर है, ठीक है, और फादर का एक सन है, ठीक है। सो 5 साल पहले उनका रेशियो मैं यहाँ पे 5 ईयर्स एगो वाला डेटा लिख देता हूँ। सो 5 ईयर्स एगो क्या था, 2:1 था ना, तो फादर का एज मैं कंसिडर करता हूँ 2x और सन का करता हूँ x, ठीक है। अब अगर ये 5 साल वाली कंडीशन है तो प्रेजेंट में फादर का एज कितना होगा, पहले अगर 5 साल पहले 2x था तो उसमें 5 ऐड करके आप 5 पहुंच जाओगे, और सन के एज में भी आपको 5 ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये 5 साल बाद वाली मतलब आज की वैल्यू है। प्रेजेंट में फादर इज एट द एज ऑफ 2x+5 एंड सन एज इज x+5 और इसका सम आज कितना है 100 है। तो आप डायरेक्टली ये जो कंसिडर किया है इसका सम 100 कंसिडर कर सकते हो, खत्म, समझ रहे हो। तो ये कैसे हो जाएगा, 2x+x ये हो जाता है 3x, 5+5 ये हो जाता है 10, इट शुड बी इक्वल टू 100, ठीक है। सो 3x इज इक्वल टू 10, उस साइड चले जाएंगे 100 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 90 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 3, मतलब x की वैल्यू कितनी मिलती है हमें, 30 मिलती है। x की वैल्यू मिल गई, आप जो चाहे वो कैलकुलेट कर सकते हो। वो क्या पूछ रहे हैं आपको, द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 10 इयर्स। देखो फादर का आज का एज कितना है, 2x+5 है, मतलब 2×30+5 है, सो 3×60+5 ये 65 आ जाएगा, सही है। और सन का जो एज है वो कितना आएगा, x+5 है ना, मतलब 30+5 35 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने कैलकुलेट किया है ये है क्या, ये इनके प्रेजेंट एजेस है, सही है ना, 2x+5 है ना एंड x+5। मुझे आफ्टर 10 इयर्स वाला चाहिए ना, तो मैं 65 में भी 10 ऐड करूंगा तो ये आ जाता है 75, और 35 में भी मैं ऐड करूंगा ये आ जाएगा 45। सो 75 इज 45 शुड बी योर आंसर। तो आप इसको कैंसिल करोगे, ये 15 से डिवाइड होते हैं, है ना, 15 threes are 5 मतलब ये 5:3 आपको आंसर दिलाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर, है ना, ये आपको समझ में आया है। देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से सोचो, है ना, आप थोड़ा सा अलग अगर सोचते हो तो ये भी कर सकते हो कि 100 इयर्स ये आज की टोटल है तो 5 साल पहले उनकी टोटल कितनी रही होगी। सो 5 साल पहले फादर भी 5 साल से कम होंगे, और देखो यहाँ पे मैं फादर और सन का अगर रेशियो लिख दू 2:1, ठीक है, तो आज की टोटल अगर 100 है तो 5 साल पहले कितनी होगी, फादर का भी एज 5 साल से कम होगा मतलब -5 करना पड़ेगा, और सन भी 5 साल से कम होगा मतलब -5। सो टोटली मुझे अभी की जो सम है 100 उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, सो 5 साल पहले उनकी टोटल 90 होगी, सही है ना। तो यहाँ पे आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि 100 ईयर सम है ना, तो यहाँ पे तो सम मुझे 3 नजर आ रही है, लेकिन 3 की वैल्यू कितनी है, 90 है, ये 5 साल पहले वाली कंडीशन है, 5 ईयर्स एगो वाली कंडीशन होगी। तो फिर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आपको डायरेक्टली 30 मिल जाएगा, फिर आप फादर का एज 30 से मल्टीप्लाई करके 60 मिल जाएगा, और सन का एज भी 30 से मल्टीप्लाई करके 30 हो जाएगा, लेकिन ये कब होगा, 5 साल पहले वाला। सो आज का एज के लिए +5 करना पड़ेगा, और आगे 10 साल जाने के लिए इसमें और 10 साल ऐड करना पड़ेगा, तो ये 75 और 45 भी आएगा। सो 5:3 आपको यहाँ पे भी आंसर मिलेगा, सो आइदर वे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये पहला जो है कन्वेंशनल बेसिक वे, ठीक है, वो तो हम सारे क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये जो सेकंड मैंने रेड इसमें राइट हैंड साइड में लिखा है वो वे थोड़ा सा ना चेंज होता है अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से मैंने सॉल्व किया है। नाउ विल डिस्प्ले नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के बाद हम देखते हैं कि उसको किस तरह से अप्रोच करना है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके, 4 years ago the ratio of A's age to the B's age was 11:14, है ना, 4 साल पहले ए और बी के एज का रेशियो कितना था, 11:14, एंड 4 years लेटर द रेशियो विल बी इन द रेशियो 13:16, है ना, द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज, ए का प्रेजेंट एज कैलकुलेट करना है। तो इस सेम टाइप का क्वेश्चन ना हम पहले कर चुके हैं, आज भी हमने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में इसी लॉजिक को अप्लाई किया, तो देखते हैं आप लोग किस तरह से इसे सॉल्व करते हो, है ना। मैं इसको अलग अलग अप्रोच बताऊंगा इसको सॉल्व करने के लिए, जल्दी से आपको सॉल्व करना है, मुझे आंसर बताना है, ठीक है।
चलो सॉल्व करिए जल्दी। ओके लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सो आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको सॉल्व भी किया है ना। देखते हैं यहाँ पे इसमें लॉजिक किस तरह से होगा, किस तरह से सॉल्व किया होगा। देखो मैं ना इसको आपको अलग अलग वे से बताने वाला हूँ, ठीक है। सो हम सिर्फ एक ही वे नहीं देखेंगे इसका, ठीक है। अलग अलग वे से देखने के बाद क्या होगा कि आपको इसके लॉजिक्स जो है वो अलग अलग से पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान देना है किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। 4 इयर्स अगो द रेशियो ऑफ एज एज टू द बीज एज वाज 11:14, ऐसा कहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम क्या कैसे करते हैं कि ये है आपका ए और ये है आपका बी, है ना। सो 4 इयर्स अगो ए का एज रेशियो कितना दिया है, 11:14 दिया है, मतलब ए का एज 11x होगा एंड बी का एज 14x होगा, ऐसा कंसिडर करते हैं। चार साल बाद वाला एंड 4 इयर्स लेटर, देखो यहाँ पे इशू ये है ना, अगर आप यहाँ पे लिखोगे 4 इयर्स लेटर
है ना, और फिर इसमें 11x प्लस 4 और 14x प्लस 4 करोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने कहा था ना ये एगो वाला है, ये लेटर वाला है, यहाँ पे प्रेजेंट को नहीं भूलना है, ठीक है ना। सो ये 4 साल पहले वाला है, तो रेशियो आज का कितना हो जाएगा, ए का एज 11x प्लस 4 एंड बी का हो जाएगा 14x प्लस 4, ठीक है ना, 14x प्लस 4, ठीक है। सो 4 इयर्स लेटर जो 13:16 होने वाला है 4 साल बाद और मतलब आगे, तो वो 11x प्लस 4 प्लस 4 होगा और b का हो जाएगा 14x प्लस 4 प्लस 4, मतलब ये आ जाएगा 11x प्लस 8 एंड ये आ जाएगा 14x प्लस 8। अब ये हमारे फॉर्मेट में आ गए, ठीक है, इसको हम 13:16 से कंपेयर करेंगे, हम हमारा बेसिक वे अप्लाई करेंगे कि a और b का एज a डिवाइडेड बाय b लिखेंगे, a का एज 11x प्लस 8, b का एज 14x प्लस 8 और इसको हम कंपेयर करेंगे 13:16 के साथ। अब हमारी स्टेप क्या रहेगी है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सही है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 16 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11x प्लस 8 को, ठीक है, और 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14x प्लस 8, ठीक है ना। सो यहाँ पे 16 इंटू 11 अगर आप करोगे तो वो आ जाएगा 176x प्लस, मैं 16 इंटू 8 को ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के बाद देखते हैं हम कॉमन वगैरह लेंगे कुछ, है ना। यहाँ पे नेक्स्ट आपका कैलकुलेशन है 13 इंटू 14, ठीक है, तो वो आ जाएगा 182x प्लस 13 इंटू 8। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, x वाले टर्म एक साइड लेके आता हूँ, 182x माइनस 176x आपको यहाँ पे लिखना है, और दूसरे साइड में देखो 16 इंटू 8 था आपका, है ना, माइनस क्या हो जाएगा 13 इंटू 8, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 8 कॉमन लेना है, ठीक है, और 16 माइनस 13 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। सो 182 और 176 ये आ जाता है 6x, तो मतलब यहाँ पे 6x की वैल्यू क्या है आपकी, 8 इंटू 16 माइनस 3 कितना होता है, 3 होता है, तो x इज इक्वल टू 3 1 3 3 2 6 और ये 2 जो है यहाँ पे 8 से डिवाइड करके आपकी x की वैल्यू आ जाती है, और ये 4 मिल गया, मतलब आप a का प्रेजेंट एज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। a का प्रेजेंट एज कहाँ पे है, तो a का प्रेजेंट एज देखो यहाँ पे है 11x plus 4, तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 11 into x मतलब 4 plus 4, है ना, मतलब ये 44 plus 4, मतलब आंसर आ जाएगा 48 years, समझ रहे हो आप, ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर फॉर दिस वन। लेकिन मैंने क्या कहा है आपको कि इसको ना आप अलग वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी हम देखेंगे, है ना। सो वो कैसे होता होगा यहाँ पे देखिए जरा, देखो अगर आप एक रेशियो बदल के दूसरा रेशियो हुआ है वो वाली मेथड अगर अप्लाई करते हो तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, आंसर सेम मिलता है। देखो ए और बी आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है, पहला रेशियो कितना है 11:14 है और दूसरा कितना है 13:16 है, देखो कितना इजीली आंसर आता है। ये रेशियो कब का है, 4 इयर्स एगो वाला है, ठीक है, और ये रेशियो कब का है, 4 इयर्स आफ्टर वाला है। आपको सिर्फ एक चीज समझनी है यहाँ पे, गैप कितने साल का है, 4 साल पहले 4 साल बाद, मतलब ये 8 साल का गैप हुआ, ये हमेशा याद रखो, ठीक है ना। ये अगर इजीली आ जाता है आपको समझ में तो फिर ये मेथड बहुत ही काम करेगी। अब आपको क्या करना है, देखो ये 4 साल पहले वाला और 4 साल बाद वाला जो है उसमें गैप तो 8 का है, गैप मतलब डिफरेंस है, समझ रहे हो ना, लेकिन 11 और 13 का डिफरेंस कितना मिल रहा है मुझे, यहाँ पे 2 मिल रहा है, और 14 और 16 का डिफरेंस वो भी 2 मिल रहा है। मैंने कहा था ना ये डिफरेंस अगर सेम आता है तो आपको वो स्टेप अवॉइड करनी है, डिफरेंस सेम करवाने वाली, लेकिन इस 2 का डिफरेंस तो ओरिजिनल 8 दिखा रहा है मुझे, मतलब 2 की वैल्यू 8 है, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4 आया आपका आंसर, है ना, एक्स की वैल्यू मैच कर रही है। अगर आपको डिफरेंस सेम नहीं करना पड़ा, मतलब वो स्टेप अगर अवॉइड होगी तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू और ये आपकी एक्स की वैल्यू मैच करती है, ठीक है ना। नहीं तो फिर इसका मल्टीपल आएगा, 4 का 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी 16 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन वैल्यू। अब ये 4 आ गया, इस 4 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे ये विल बी द आंसर। अब आपको क्या कहा है उन्होंने, ए का एज फाइंड आउट करना है, तो ए का मुझे तो यहाँ पे 11 दिख रहा है, लेकिन 11 4 साल पहले वाला, तो ए का ये जो 11 है इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ए का एज 44 आता है, लेकिन ये कब का है, 4 साल पहले वाला। आप क्या करो इसमें और 4 साल ऐड करो, आपको आज का एज मिल जाता है 48 इयर्स। देखो सेम आंसर मिला है आपको, समझ रहे हो। सो आई होप दिस इज क्लियर कि इसको किस तरह से सॉल्व किया है, आइदर वे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
This is the next question. At present, the ratio of age of Maya and Chhaya is 6:5. Maya और छाया का आज का रेशियो है 6:5. ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको कि 15 years from now, 15 साल बाद, आज से 15 साल बाद, the ratio will get changed to 9:8. Maya's present age is, Maya का present age बताना है, मतलब ये 6:5 है, उसमें से 6 की वैल्यू बतानी है आपको. ठीक है ना, सो जल्द से इसको सॉल्व करिए, आइदर वे यूज करिए, है ना, जो आपको इजी लगता हो, है ना, और उससे आंसर फाइंड आउट करके मुझे आंसर बताइए इसका क्विकली.